तो आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के बारे में। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग से कई बड़ी खबर निकल के आ रही है और यह खबर एमएस धोनी से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ दोस्तों क्या है वह पूरी खबर, इसी के बारे में पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबरें हम लाते रहते हैं। तो बात करें आईपीएल 24 के लिए, जो चेन्नई सुपर किंग का स्क्वाड है वह तैयार हो चुका है और कप्तान एमएस धोनी है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एमएस धोनी ने सर्जरी करवाया था अपने घुटने का। लेकिन बता दें कि अब जो बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है चेन्नई सुपर किंग के फैंस के लिए बेहतरीन खबर है। जहाँ दोस्तों एमएस धोनी जल्द ही शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस, यह कोई और नहीं बताया, यह चेन्नई सुपर किंग के सीईओ ने बड़ा बयान दिया है। यहाँ दोस्तों उनका कहना है कि एमएस धोनी बेहद अच्छा रिकवरी कर चुके हैं और वह जल्द ही प्रैक्टिस शुरू कर देंगे आईपीएल 24 के लिए, जो कि चेन्नई सुपर किंग के फैंस के लिए एक बेहतरीन खबर है। तो वहीं हम बात करें दूसरी बड़ी खबर का, ऋतुराज गायकवाड़ से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ जो कि इंजर्ड हो चुके हैं, तो इनके लिए बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। यहाँ दोस्तों बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल से पहले फिट हो जाएंगे, जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए एक बेहतरीन खबर है। नहीं तो चेन्नई सुपर किंग मुश्किल में पड़ जाती, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ बेहद ही अहम खिलाड़ी है चेन्नई सुपर किंग का। ऐसे में अगर ऋतुराज गायकवाड़ अगर फिट नहीं होते तो दिक्कत हो सकता था चेन्नई सुपर किंग को। वहीं एक ट्रेडिंग को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग ने मोहम्मद सिराज को अप्रोच किया था ट्रेड के लिए, लेकिन बता दें कि मोहम्मद सिराज ने साफ तौर पर मना कर दिया है चेन्नई सुपर किंग को। तो दोस्तों यह कुछ बड़ी खबर जो कि चेन्नई सुपर किंग से निकल के आ रही थी आईपीएल 2024 से पहले। तो आपको यह खबर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।